आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में बताया, प्रश्न था कि सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे। तो उत्तर में जो पहली लाइन थी वो ये थी कि अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद नहीं आए। लाइन को आप डिवाइड करना, तो इस लाइन में पहला ये बताया है कि जब शरीर छूटे तब उस समय की अवस्था की बात बताइए कि शरीर छूटे तब बाबा की याद है। अब शरीर कब छूटना है ये किसी को पता है कि आपका अपना शरीर कब छूटना है? इस दुनिया में आने वाला हर व्यक्ति रिटर्न टिकट लेके आया है, लेकिन वो रिटर्न टिकट कौन सी ट्रेन का या फ्लाइट का है, वो किस तारीख को कितनी बजे यहाँ उठने वाली निकलने वाली है वो ट्रेन, वो पता नहीं है। रिटर्न टिकट तो है सबके पास, लेकिन डेट और टाइम नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है सोचिए कि हमको बाबा की याद रखने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर समय अभी वो तो शरीर को कभी भी छूट सकता है। शरीर छूटने का क्या है? शरीर तो अगर कैंसर की बीमारी है तो महीना दो महीना भी हॉस्पिटल में रहेंगे और धीरे 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 पता लगता जाएगा भी आप शरीर जो है जो क्षय हो रहा है और कभी भी छूट सकता है। एक्सीडेंट हुआ तो एक मिनट में भी छूट सकता है। हार्ट अटैक आया 5 मिनट में भी छूट सकता है। माना शरीर कब छूटेगा वो हम में से किसी को पता नहीं है कि शरीर कब छूटेगा। अब तब हमारे लिए ये और भी बड़ी बात हो जाती है कि शरीर कब छूटेगा वो पता नहीं है और छूटते समय बाबा की ही याद रहे। इसका मतलब हमको कोई ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि जिस प्रैक्टिस से अभी से ही निरंतर बाबा की याद रहे, तब जब भी शरीर छूटे जिस भी कारण से छूटे वो भी निमित्त बने तो उस समय हमको बाबा की ही याद रहे। तो सबसे पहले ये इस कंडीशन में समझना है कि हमारे शरीर छूटने का डेट और टाइम इन दोनों का हमको कुछ भी पता नहीं है कि ये कब होगा। और इसलिए एक तो अगर हमको पता हो कि भाई इस तारीख तक तब तक तो हम निरत और हम उसको ये भी करेंगे। अब चूंकि वो टाइम और डेट दोनों ही फिक्स नहीं है तो इसके कारण से हमको रेगुलर ही करना पड़ेगा, तब जाके हम पास हो सकेंगे। भक्ति में एक कहानी सुनते थे, आपने भी सुनी होगी, कि एक भाई था वो बहुत गलत काम करता था, सारी बुराइयां सारे विकारों के वश होके कार्य करता था, उसका पाप का घड़ा बहुत भर गया था। तो फिर भी उसको एक बार किसी संत संत वहां आए उसके गांव में, और संत ने उसको वो संत के पास गया तो संत ने उसका हृदय परिवर्तन किया। हृदय परिवर्तन किया तो उसने बोला कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैंने तो सारी जिंदगी बहुत खराब काम किए हैं, तो मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। ऐसा उसने जब पूछा तो संत ने कहा कि अगर शरीर छूटते तुम्हारा भगवान में ध्यान होगा तो तुझे भगवान मिल जाएंगे, मतलब भगवान का धाम मिल जाएगा अगर शरीर छूटते समय भगवान का याद रहा तो। उसने कहा कि कैसे याद रहेगा शरीर छूटते समय भगवान की याद, तो वो तो मेरा सारा जीवन तो मैंने ऐसा कर्म किया है तो कैसे याद रहेगी। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि संस्कार जो है, आपने अपने ब्रह्मा कुमारी के राजयोग का जो 7 दिन का कोर्स है उस कोर्स के पहले दिन का फोटो आपकी नजर के सामने लाइए कि कैसे आत्मा मन बुद्धि और संस्कार से बनी हुई है,
और उसमें संस्कार के चित्र का जो फोटो बताया है उसमें जैसे वो कैसेट में रील भरी जाती है उस प्रकार का बताया है। तो जब संस्कार इस प्रकार से अंदर भरते जाते हैं भरते जाते हैं भरते जाते हैं तो अंत में क्या होगा, अंत में वही संस्कार हमको स्मृति दिलाएंगे, जो संस्कार भरे हुए होंगे वही संस्कार हमको स्मृति दिलाएंगे। अब जिसने सारी उम्र अगर पॉजिटिविटी वाला नहीं किया हुआ तो वही संस्कार उसको याद दिलाएंगे। तो उसने कहा कि मुझे कैसे याद आएगा भगवान का, तो फिर उसने ऐसा कहा, वो संत ने कहा कि एक काम कर, तू अपने बच्चे का नाम जो है ना नारायण रख ले, अपने बच्चे का नाम नारायण रख ले, तो नारायण नाम होने से तू सारा दिन उसको बुलाया करना और फिर वही नाम जो है तेरे मुंह पे आ जाएगा, ये भगवान का नाम है, तो शरीर छूटते समय भी तेरे को बच्चा याद आएगा तो तुझे भगवान का जो है नाम तेरे मुंह से निकलेगा। वो तो भक्ति की कहानी है कि उसका उसने बेटे का नाम नारायण रख लिया और जब उसका अंत समय आया तो भी वो बच्चे को नारायण नारायण करके बुला रहा था, तो फिर भगवान प्रसन्न हो गए और उसे अपना धाम दिया उसको। लेकिन हमको तो ज्ञान से समझ के साथ चलना है। अभी हम तो घर वालों में किसी का नाम शिव रख लो या ब्रह्मा रख लो या इससे रख लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमको समझदारी से अपने संस्कारों को पॉजिटिव बनाना है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझने जैसी है कि शरीर छोड़ते समय हो सकता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो है वो इतनी सचेत नहीं हो कि हम याद भगवान को प्रयत्न पूर्वक याद कर सके, समय भी ऐसा नहीं हो और हमारी आत्मा की शक्ति भी ऐसी नहीं हो कि हम उनको याद कर सके। कोई कोमा में है, 2 महीना से कोमा है, 10 दिन से कोमा है, 5 दिन से कोमा में है, तो शरीर छोड़ते समय तो कैसे याद करेंगे, कोमा में है तो कैसे पता रहेगा। तो उसके लिए मैं समझता हूँ सबसे जरूरी ये है कि हम जितना समय अभी जी रहे हैं इस शरीर में, हम आत्मा हैं इस शरीर के द्वारा कर्म कर रहे हैं, इसको हम इतने पॉजिटिव बनावे, इस कर्म को परमात्मा की याद वाला कर्म बनावे कि जिससे संस्कार जो है पूरे इस प्रकार से बन जावे कि कुछ भी हो तो सीधी परमात्मा की ही याद आवे। उसके लिए हमको बीच बीच में चेक करना है कि क्या हमारे इतनी प्रैक्टिस हुई है कि कुछ भी बात होती है तो केवल परमात्मा की याद आती है, ऐसी प्रैक्टिस हुई है हमारी। जैसे अगर कोई बहुत खुशी की बात है या कोई दुख देने वाली बात सामने आई तो उस समय हम सबसे पहले वो बात किसके साथ शेयर करते हैं, किसको हम बताते हैं सबसे पहले बात। कोई बहुत खुशी की बात है, कोई दुख देने वाली बात है, कोई आश्चर्य वाली बात है या कोई अनहोनी होती है, तो सबसे पहले हम किसको बताते हैं। तो अंत समय में भी या कठिनाई के समय में भी सबसे पहले वही आत्मा याद आएगी जिसको हम पहले बताना चाहते हैं। तो अभी से हमारी वो प्रैक्टिस हो कि कुछ भी हो, कैसी भी सूचना हो, कैसा भी बात हो, तो सबसे पहले हम बाबा के साथ शेयर करेंगे। बाबा का चाहे चित्र सामने है या नहीं है, बाबा को तो हमने बहुत अच्छी तरह पहचान लिया है, परमधाम में ज्योति बिंदु स्वरूप में भी या सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ते रूप में भी बाप दादा जो हैं हाजिर हैं, तो हम तुरंत हमारे मन में सबसे पहले वो चित्र आना चाहिए, बाबा का बाप दादा का चित्र आना चाहिए और उनके साथ हम शेयरिंग करें कि बाबा आज ये बात हुई है, बाबा अभी ये फोन आया है, बाबा अभी ये पत्र आया है, बाबा अभी ये दुर्घटना हो गई है, या बाबा अभी ये खुशी का समाचार मिला है। मतलब जो भी बात हमारे सामने आवे सबसे पहले हम शेयर करने का बाबा के साथ में रखें, तो एक आदत पड़ेगी कि हाँ मेरा बाबा के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और उसके कारण से मुझे हर समय बाबा याद आते रहेंगे।
और जब मन को एक बार आदत पड़ जाती है, बुद्धि एक बार स्वीकार कर लेती है, संस्कार उस प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं, तो फिर आगे चलकर हमको यही एक नेचुरल हैबिट हो जाती है और हर समय वही चीज संभव होती है। तो ये पहला प्रैक्टिस तो ये है कि हम हर चीज सबसे पहले बाबा के साथ शेयर करें। हम आज से ही देखें, अपना चार्ट देखें कि मैं बाबा के साथ कितना शेयर कर रहा हूँ, कितनी शेयर कर रही हूँ, ये अपना चार्ट हम देखते जावे और देखते देखते उसको चार्ट को बढ़ाते जावे। अगर अभी आदत पड़ी हुई है किसी आत्मा के साथ शेयरिंग करने की, तो हम पहले बाबा के साथ शेयर करें फिर आत्मा के साथ शेयर करें। इस प्रकार से हम अपना पार्ट जो है वो चार्ट धीरे धीरे बढ़ाते जावे। तो ये एक तो पहली प्रैक्टिस करनी है हमको। दूसरा, सर्व संबंधों का सुख जो है वो बाबा से लेना है। तो उस अगर सर्व संबंधों का सुख हम बाबा से लेंगे तो क्या होगा कि हर परिस्थिति में हमको बाबा याद रहेगा। कुछ भी बात होगी तो तुरंत बाबा याद आएगा, क्योंकि सर्व संबंध उसके साथ है। हमको शक्ति चाहिए तो भी बाबा से मिलेगी, प्रेम चाहिए तो भी बाबा से मिलेगा, पालना चाहिए तो भी बाबा से मिलेगी, शिक्षा चाहिए तो भी बाबा से मिलेगा। हर चीज हमको बाबा से मिलता है, ये हमको अनुभव में होना चाहिए। और अनुभव के साथ हम इसको अपनावे, हर संबंध का सुख लेवे बाबा से, तो भी हमारा क्या होगा कि वो बाबा की याद रहती रहेगी। दूसरा, अगर हम कोई बात अभी हो जाती है और उसके लिए हमारे विचार चलते हैं, सपोज किसी ने थोड़ी सी कोई इंसल्ट कर दी हमारी, कोई बात कह दी जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी बात कह दी, तो क्या होता है, हमारे मन में महाभारत शुरू हो जाता है। कभी तलवार से लड़ते हैं तो कभी गदा से लड़ते हैं तो कभी चक्र से लड़ते हैं तो कभी तीर कमान से लड़ते हैं, तो हमारे मन में महाभारत चालू हो जाता है। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसे कैसे कह दिया, अभी तो मैं बता के रहूंगा, अभी मैं बता के रहूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, व्यर्थ की एक लंबी क्यू लग जाती है। अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूँ कि किस किस कारण से कितना कितना व्यर्थ चलता है, लेकिन अब हमको प्रैक्टिस क्या करनी है, अगर हमको अंत समय बाबा की याद में ही रहना है और बाबा की ही याद आवे, तो उसके लिए अभी ये प्रैक्टिस करनी है कि कुछ भी बात हो हम एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। अगर हमने सेकंड में फुल स्टॉप लगाना नहीं सीखा और क्यू लगनी शुरू हो गई, क्वेश्चंस की क्यू लगनी शुरू हो गई, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो फिर बाबा की याद नहीं रह पाएगी, वो आदत नहीं बन पाएगी। इसलिए सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करना ही चाहिए, और उसका बहुत सरल रास्ता है, ऐसा नहीं कि हम नहीं लगा सकते, ये अभ्यास हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी आप समझिए कि कोई ओलंपिक में दौड़ में भाग ले रहा है। अब जब वो दौड़ में भाग ले रहा है, उसके सामने मात्र 2-3 मिनट है जिसमें उसको वो दौड़ पूरी करनी है। वो दौड़ रहा है और सामने से अगर कोई चिड़िया उड़ के गई या किसी ने कोई बोल दिया, तो क्या वो दौड़ता दौड़ता रुकेगा क्या कि तूने मेरे को क्यों बोला। वो कुछ भी होगा, अरे वो पैर में से चप्पल भी निकल जाए, उसके जो जूते पहने हुए वो भी निकल जाए, तो भी दौड़ता रहेगा। वो भले पड़ा साइड में निकल के, तो दौड़ता रहेगा। बारिश भी हो जाएगी तो भी दौड़ता रहेगा, क्योंकि उसको मंजिल सामने है कि मुझे 2-3 मिनट में वहां पे पहुंचना है, तो वो और किसी भी तरफ ध्यान नहीं देगा। तो अभी भी हमारे लिए कितनी ऊंची मंजिल है, कितना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है, कितनी भारी मंजिल है हमारे सामने, तो उसको देखते हुए अगर किसी ने कुछ कह दिया, कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, किसी से कोई गलती हो गई, तो हम बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल बना के उसको एक बार हम माफ कर देवे और फुल स्टॉप लगा देवे। प्रैक्टिकल में कभी कभी ऐसा होता है कि फुल स्टॉप नहीं लगता है, लेकिन प्रयास करना शुरू करें और बाबा की जो मुरलियां सुनते हैं, बड़ों के जो अनुभव सुनते हैं, उससे हम अपना मन को समझाना शुरू करें
हाँ कोई यज्ञ में बड़ा नुकसान होने वाला है कि कोई सरकार की बहुत बड़ी कानून का जो है उल्लंघन हो गया है, तो उसको सोच समझ के पूरा करावे, पर फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही हम फुल स्टॉप लगाना सीखेंगे तो हमारा मन क्या होगा, डाइवर्ट होके वापस बाबा की तरफ आ जाएगा, नहीं तो मन वो गलत दिशा में ही चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ छोटे छोटे अभ्यास हैं, जिन अभ्यासों को अगर हम प्रैक्टिकल स्वरूप में अपने जीवन में लेके आएंगे तो अंत समय में भी बाबा की याद रह सकेगी, ऐसा मैं समझता हूँ।